हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट robot.txt बाय योस्ट प्लगइन। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि हम आ चुके हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम यही जानेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर योस्ट प्लगइन के द्वारा robot.txt क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर रैंक मैच से कैसे robot.txt क्रिएट कर सकते हैं और साइट मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपको उसको जाके चेक करनी है तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप योस्ट SEO प्लगइन से अपना robot.txt क्रिएट कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अपने योस्ट प्लगइन्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा कि प्लगइन्स का सेक्शन ये लेफ्ट बार के अंदर नीचे होता है, यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका मेन पेज का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा कि आपका फर्स्ट टाइम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट के ऊपर योस्ट प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है तो उसको किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं उसकी भी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सेटिंग इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपका आएगा टूल का ऑप्शन। टूल पे आपको क्लिक करना है। टूल पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये पेज ओपन आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अपनी वेबसाइट जीमेन्यू के ऊपर। जीमेन्यू जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है जिसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड या जिम से रिलेटेड सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और आप उसको जाकर रीड करना चाहते हैं तो वो भी रीड कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि योस्ट प्लगइन जो है अपने आप में ही खुद अपना एक robot.txt क्रिएट कर देता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको एक कस्टमाइज robot.txt क्रिएट करना है तो उसको आपको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ टूल के अंदर आकर के यहाँ पे जाना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आपका जो robot.txt वो किस तरीके से आ रहा है। इस पे आप robot.txt क्लिक करेंगे। robots.txt क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये योस्ट से क्रिएटेड हुआ है। यूजर एजेंट आपके अलाउ है, डिसअलाउ कोई भी आपका पेज नहीं, और साइट मैप आपका यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ पे आपका साइट मैप जो है कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप बात करते हैं वापस से अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिलेगा फाइल एडिटर। फाइल एडिटर आपका यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे SEO से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, जैसे robot.txt, htaccess और भी बहुत सारी चीजें। इसको खोलने का मतलब है कि आपको अपनी वेबसाइट की बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर आप इस फाइल को ओपन कर रहे हैं तो इस फाइल को बहुत ही आप ध्यान से एडिट कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें आपको कुछ भी चेंजेस हुआ तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट खराब हो सकती है। तो यहाँ पे आप फाइल एडिटर में जाइएगा। फाइल एडिटर में ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका ये htaccess का ऑप्शन होगा। इसमें आप बिल्कुल भी कोई भी छेड़खानी मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट robot.txt फाइल। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये शो कर जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लिखा है, और यहाँ पे भी आपका कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये आपका साइन अप कर सकते हैं कि इस तरीके से आपका robot.txt पहले से ही कनेक्टेड है। अब इसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक पहले से ही एक कस्टमाइज robot.txt बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने SEO ऑप्टिमाइजर से यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, अगर SEO ऑप्टिमाइजर से क्रिएट ना करें तो आप किसी भी टूल से आप इसको क्या करते हैं क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने robot.txt किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप robot.txt और साइट मैप जनरेट कर पाएंगे अपनी वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यूजर एजेंट अलाउ है या डिसअलाउ का ऑप्शन कोई भी नहीं है। डिसअलाउ CGIBIN है। ठीक है, डिसअलाउ का मतलब होता है एक ऐसे URL जिसको आप क्रॉल या इंडेक्स नहीं कराना चाहते, या फिर किसी ऐसे गूगल के क्रॉलर, बिंग के क्रॉलर, या फिर किसी अदर सर्च इंजन के क्रॉलर से आप हाइड रखना चाहते हैं। वो आपका पेमेंट का हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंशियल पेज हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये यूजर एजेंट और डिसअलाउ वाला ऑप्शन और साइट मैप वाला ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। साइट मैप का ऑप्शन है यहाँ पर, यूजर एजेंट का है, डिसअलाउ का है। अब ये डिसअलाउ और CGIBIN वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद इसको क्या करेंगे, एक एंटर मारेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये जो पेज है इस पेज को हम डिलीट करके आपको अपनी वेबसाइट के अंदर, मैं वापस से वेबसाइट के अंदर आता हूँ। ठीक है, अगर वेबसाइट के अंदर आने के बाद देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई सा भी एक URL जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई सा भी एक URL जो है, मान लीजिए मेरे को इसको नहीं करना है, या फिर कोई आपका और नीचे अगर जाता हूँ राइट फॉर अस या फिर कॉन्टेक्ट अस का कोई सा भी पेज आपको दोनों में से नहीं करना है क्रॉल,
तो उसको क्या कर सकते हैं आप, उसको कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी लिंक कीजिए और कॉपी लिंक करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं स्पेस देने के बाद। एक स्पेस देने के बाद आप इसको पेस्ट कर देंगे और सेव चेंजेस करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोबोट डॉट टी एक्स टी कैसा है। यहाँ पे रोबोट डॉट टी एक्स टी अभी ऐसा है, और अभी अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी करके न्यू पेज पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, सेव चेंजेस टू रोबोट डॉट टी एक्स टी, यहाँ सेव चेंजेस कर दिए। सेव चेंज करने के बाद ये सेव चेंज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपका ये जो न्यू पेज आपका ऐड था, न्यू पेज जो हमने ऐड किया था, वो न्यू पेज यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप इसको सेव करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको वापस से रिटर्न वैसा ही कर देते हैं, और करने के बाद इसको वापस से सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश से रिफ्रेश कर देंगे, ये हमारा साइट मैप है और ये आपका रोबोट डॉट टी एक्स टी, तो ये वापस से आपका वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर रोबोट डॉट टी एक्स टी को चेंज कर सकते हैं इजी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।